हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब करें कानपुर किचन एंड ब्लॉग को और साथ ही प्रेस करें बेल बटन को, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे धनिया और टमाटर की व्रत वाली चटनी बनाएंगे। इसे आप व्रत में खा सकते हैं और ये चटनी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चटनियाँ तो हम बहुत सारी बनाते हैं, बट दिस इज़ माय फेवरेट चटनी। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया हुआ है। इसमें हम डालेंगे टमाटर, तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने रफली चॉप करके डाला हुआ है। थोड़ा सा हम इसमें अदरक डालेंगे, तो अदरक को पील करके मैंने इसके टुकड़े करके डाले हैं। 5 से 6 हरी मिर्च डाला है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, तो आधी कटोरी के जितना मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाला है। धनिया आप जब भी चटनी में डालें तो हमेशा काट के ही डालें, क्योंकि अगर आप ऐसे डालते हैं तो फिर उसमें रेसे फंसते हैं, जिससे कि चटनी का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाला हुआ है और 1 चम्मच हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे। तो तवे पर आप जीरे को ऐसे सिंपली हल्का सा भून लें, इसके बाद इसमें डालें। स्वादानुसार सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और इसे हम पीस लेंगे, तो जब हम इसे पीसेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा एकदम से पीसते नहीं रहना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि चटनी बहुत ज़्यादा पीस जाती है और उसमें झाग जैसा बन जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मिक्सी की चटनी में बस यही चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो इसे मैंने पीस लिया हुआ है और आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसा है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। और ये हमारी धनिया की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये चटनी की रेसिपी का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको फिर से किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।